हेलो दोस्तों, मैं साओ साओ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रिटानिया स्टॉक के बारे में। ब्रिटानिया स्टॉक कैसा रहता है मूवमेंट, उसका साल कैसा रहेगा, आने वाला समय में वो कैसा मूवमेंट करेगा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में जाने से पहले आपको एक पूछते हैं सर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक बटन जरूर दबाइए, जो कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले समय में आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर जीरो का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो वन डे कैंडल का चार्ट है, ये एक एक दिन का कैंडल चार्ट है। जो मैं लाइन देख पा रहे हैं, इस लाइन जो है ये लाइन हुआ पिवट पॉइंट, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। ये जो एक इंडिकेटर है, जो आपको लाइन जो ऊपर लाइन नीचे लाइन दिखा रहे, ये इंडिकेटर बोलते हैं, पिवट पॉइंट बोलते हैं। तो इसको हम काट देते हैं क्लियरली चार्ट देखने के लिए। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर वन डे कैंडल चार्ट में और पीछे का जो चार्ट हम मोमेंट देख पा रहे हैं, ये अगस्त महीना से बहुत बड़ा मोमेंट आया था। अगस्त महीना से शुरू से मोमेंट हुआ था, सितंबर तक बहुत बड़ा रैली हुआ। कम से कम 3,000 से लेकर 4,500 तक मोमेंट दिया ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया कंपनी यही 4,500 हाई में कम से कम 15-20 दिन रुक के एक रेंज बाउंड रहा। उसके बाद धीरे धीरे गिरावट शुरू होने लगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला था और इवेंट बहुत सारा आने वाला था, कंपनी मीटिंग आने वाला था और करेक्शन भी होना था, क्योंकि इतना हाई पे जाके कम से कम करेक्शन होने के बाद दोबारा एक हाई बनाएगा। तो हर स्टॉक का चाल यही है, एक चाल जाने के बाद पीछे दो स्टेप आता है, उसके बाद फिर बड़ा चाल चलने लगता है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, पीछे का जो हम चार्ट देख पा रहे हैं, सेम इसी तरह एक चाल जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर दूसरा चाल जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, ऐसे हाई पे हाई, लो टू हाई, ऐसे काटते जा रहा है। किंतु आप देख पा रहे हैं 3,000 के पास 3 बार रेंज बाउंड, एक रेंज में रुका है बहुत टाइम तक, मैंने एक साल तक ये रेंज में रुका है। यहीं से निकलने के लिए कोशिश किया था, फिर दोबारा यहाँ से गिरा है। आप पीछे का चाल देख पा रहे हैं, जहाँ से लॉकडाउन से गिरा हुआ है स्टॉक, वहाँ से गिरावट पर उठा। उसके बाद पूरा जून से लेके, मैंने 2020 जुलाई से लेके अभी एक साल तक एक रेंज में रहा, एकदम आप देख पा रहे पूरा एक रेंज में रहा। उसके बाद यहीं से कम सितंबर आते आते यहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा मूवमेंट आया। मुझे लग रहा है यहीं आसपास से ये ब्रेकआउट हो, फिर दोबारा मूवमेंट चलना शुरू कर देगा। आप अगर CNC होल्डिंग के लिए लेना चाहेंगे तो इसी प्राइस में आप लीजिए, कम से कम यहाँ 2 बार सपोर्ट दे चुका है ये। यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ या दूसरा बार, 2 बार हो चुका है सपोर्ट। अगर सपोर्ट अगर तोड़ता है तो आपको कम से कम 3500 तक आना पड़ेगा। 3500 तक आने से आप यहीं से भी बाय कर सकते हैं, यहीं से भी, यहीं आसपास से बाय कर सकते हैं। जो प्राइस अभी चल रहा है 3600, आप 3600 और 3500, मैंने 3600 3500, इसके बीच में कोई भी प्राइस मिले यहाँ से इन्वेस्ट करिए, और वहाँ से आप बड़ा चाल देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रेकआउट हो गया, इतना बड़ा चाल के बाद अगर ये ब्रेकआउट होके चलने लगा तो ये कम से कम 5000 क्रॉस कर जाएगा आराम से, और वहाँ से एक बिग ब्रेकआउट दे के आगे की रास्ता चलने लगेगा। कि यहाँ से दूर से देखने लगेगा कि ये यू टाइप का बना रहे, धीरे धीरे यू टाइप का, मैंने यू पैटर्न बना रहे, और यहाँ से देखा जाए तो ये फ्लैग बटन बना रहे। फ्लैग बटन का यही है, जो फ्लैग बटन ब्रेकआउट एक बार देने के बाद दोबारा आता है और तीसरे बार ब्रेकआउट दे के भाग जाता है, बहुत स्पीड से भागता है। मुझे अगर फ्लैग पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, किंतु यू टाइप का मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है, और यू टाइप, यू कॉप पैटर्न जो बनता है, ये अगर यू टाइप बना, ये अगर कॉप टाइप पैटर्न बना रहा है तो यहीं आसपास से ये मूवमेंट करना शुरू कर देगा। आप यहीं आसपास से 3600 से 3500 के बीच में जो प्राइस मिला है, अगर उसी प्राइस में इन्वेस्ट करिए तो, और यहीं आने वाला समय में यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा और आगे 5000 तक टारगेट बना सकते हैं। तो यही रहा है वीडियो में। इस वीडियो का चार्ट हम बता दिए, ब्रिटानिया कंपनी वो अच्छा कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया ब्रिटानिया इसका चाल है, तो इसको इन्वेस्ट करके रखिए, और यही रिकमेंडेड है, इसमें आप बाय करिए, और CNC बेसिक पे, होल्डिंग बेसिक पे। तो ब्रिटानिया कंपनी का अभी फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल कैसा रहता है। तो फंडामेंटल हम देख पा रहे हैं, इसका जो फाइनेंशियल है 2018 से लेकर 2021 तक बहुत बढ़िया फाइनल चल गया है। तो अभी देखिए, जब वो एक 1.00 1.60 फाइनेंशियल धीरे धीरे इसका ग्रोथ कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं
अभी जो पिछला प्रॉफिट था 32% बिफोर 2021 से लेके जो बीच में वन ईयर रहा, पिछला ईयर जो प्रॉफिट था उससे 32% ग्रोथ किया है। तो इसका फाइनेंशियल पॉजिटिव है और ये ब्रिटानिया का जो ब्रांड है वो शो कर रहे हैं क्या क्या ब्रांड कंपनी आप डील कर रहे हैं। ये 70% एनालाइज जिसको बोल रहे हैं आप इसको बाय करो बोल के 70% सजेस्ट तो कैन बाय स्टॉक दिस स्टॉक। तो उसका जो हम देख पा रहे एंट्री पॉइंट पे गुड टाइम कंसीडर द एंट्री टाइम, नो रेड फ्लैग बटन दे रहा है तो आप एंट्री कर सकते हैं, डिविडेंड रिटर्न दे सकते हैं। तो यही रहा इस वीडियो में, ब्रिटानिया स्टॉक को रिकाउंटेड है, आप इसको होल्ड करके रखिए, वो आने वाला समय में बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए इस वीडियो में। थैंक यू।